हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई पिछली बार जो हमने गेम खेला था पहले एपिसोड में, उसमें हमें कैन रोजनबर्ग जो अपना वकील है, फ्रेंड है टॉमी का, तो उसने भेजा था भाई कर्नल रिचार्ड की यार्ड पे, यानी कि ड्रग डीलिंग होने के लिए, मतलब जो ड्रग डील होंगी उसकी डिटेल के लिए, जिससे टॉमी उन ड्रग डीलर को लूट सके। लेकिन भाई वहाँ पर तो उसने मतलब अजीब सीन कर दिया। वहाँ पर उसने अपनी एक डॉटर को, यानी अपनी लड़की को क्लब छोड़ने के लिए बोला था, और उसके बदले भाई हमें मिले थे $100। तभी टॉमी का थोड़ा मूड ख़राब हुआ और टॉमी ने बोला कि मतलब इतने चिंदी चोर, यानी कि 2 करोड़ का नुकसान और $100 करके कैसे निपटाया जाएगा। तो भाई इसी के रिगार्डिंग बात करने, यानी इसी के मतलब में, इसी के इसमें बात करने के लिए अपने जा रहा है टॉमी अपने फ्रेंड कैन रोजनबर्ग के पास। चलो भाई उससे कैन रोजनबर्ग से बात करते हैं और देखते हैं टॉमी क्या बोलता है उसे, और आगे का क्या बोलता है। One and only B-Rock. Don't forget, Love Fist are in town right now. Is it Love Fist is in town? I flunk school because I'm hardcore. तो भाई साहब यहाँ पे कैन रोजनबर्ग पूछ रहा है भाई कि तुम्हें कुछ मिला कैन, मतलब कर्नल की पार्टी में। तो ये अपना टॉमी बोल रहा है नहीं कुछ नहीं मिला। टॉमी बोल रहा है मतलब कि अब तुम मुझे जो नुक्कड़ यानी गली रोड छाप जो ड्रग वगैरह डीलिंग करते हैं छोटे मोटे, उनके नंबर दो, वहाँ से मुझे पता लगेगा, वहाँ पे मुझे उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दो। हमने कैन रोजनबर्ग ने बताया है कि एक कैन पॉल नाम का आदमी है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता है, मतलब चूना लगाता फिरता रहता है, तो तुम उससे जाके मिल सकते हो। चलो भाई तो अपने ढूंढते कैंट रोज, मतलब कैंट पॉल को जो कि मैलिब्यू क्लब में है। ओके फिर उससे देखते हैं भाई क्या पता लगता है ड्रग डीलिंग कहाँ होने वाली है, कुछ तो पता लगेगा। टॉमी अपना चलने को तैयार है। हटो अभी, हट जा अबे, ये तो रोड में सुसाइड कर रहा है, मतलब छलांग लगा रहे हैं ना नदी समझ करके। ओके ओके भाई, ये टॉमी रोड पर नहीं स्ट्रीट। ओ भाई ओ बाओ, वो तो भाई स्पोर्ट बाइक थी इसलिए नहीं गिरा, मतलब पिछली बार वरना पिछली बार की तरह भाई ये फिर भी पैर तोड़ लेता है। ये भी तो भाई स्ट्रीट लाइट तोड़ रहा है अपना टॉमी। मैं चलता हूँ फटाफट कैंट पॉल के पास में। ओके ओ शिट, अबे यार क्या, अबे लाइफ भाई 009 लाइफ, मुझे बहुत ही आराम से चलाना होगा क्योंकि कैंट पॉल के पास पहुँचना है। और भाई साहब वहाँ पर अगर एक दो बार और ठोका ना तो भाई काम हो जाएगा अपना। अरे 009 हद बचे हैं भाई, बहुत ही आराम से प्यार से एकदम स्लो। तो गाड़ी भाई सर्विस मांगने लगी, ब्लैक धुआं निकालने लगा इसके कार्बोरेटर से। चलो भाई ओ नहीं नहीं ठकना नहीं है, ठकना नहीं, आराम से प्यार से बिल्कुल। ये चलो क्या ये, नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा अनस्टार। क्या है भाई ये, नो तो भाई साहब बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा यहाँ से, कि हार्ड हमारे पास लाइफ है 100 में से भाई 9 ही रह गई हैं। अगर जरा सा भाई अगर एक्सीडेंट या उल्टा सीधे टॉमी ने भाई चलाई तो भाई डेथ हो जानी है। ये तो बहुत ही संभाल के रेड लाइट के कार्बोरेटर बाइक की यह हालत कर दी है टॉमी ने, यानी कि मैंने टॉमी। चलो तो भाई साहब आराम से, थोड़े ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे भाई हम, स्लो टारगेट भी राइट इधर से नहीं, बैक लेते हैं, बैक लेते हैं, इधर जाना होगा हमें लेफ्ट साइड। ओके चलो भाई ये क्या है, ये उतर के लेके देख सकते हैं भाई क्या है ये, कोई कैप्सूल टाइप लग रहा है ये कुछ तो नहीं यार, क्या हुआ लाइफ वगैरह तो नहीं बढ़ी इससे। चलो अपनी बाइक उठाते हैं, अभी मैलिब्यू क्लब आ चुके हैं, कैंट पॉल से पहले मिलते हैं भाई, क्योंकि वही है भाई ड्रग डील के बारे में बताएगा। चलो तो भाई इधर से ले लेते हैं भाई लेफ्ट, आ ही चुका है अपना। ये रहा, चलो भाई स्लो बहुत भाग रहा है। तो भाई ये तो मज़े कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में। ओके अपना टॉमी एंटर हो चुका है,
देखते टेमो टोमी करेगा इससे बात आगे डिटेल के लिए। ओके तो भाई इसने पहले बोल दिया गेट लॉस्ट हनी, यानी कि तुम भागो यहाँ से निकल जाओ। अब ये हाय मतलब अब ये टॉमी बोल रहा है कि भाई मैं कैंट, यू कैंट पॉल, तुम कैंट पॉल हो और मुझे रोजनबर्ग ने ले जाया है। रोजनबर्ग मेरा फ्रेंड है और मैंने काफ़ी कुछ खो दिया है, मतलब ड्रग भी खो दिए हैं और मैं काफ़ी मनी खो चुका हूँ। तो उसने भाई बोला देखो बाहर आ चुके भाई, उसने ड्राइव अपनों कैंट पॉल ने अपन को बोला है कि तुम्हें यहाँ डिटेल नहीं मिल पाएगी, तुम ओशन ड्राइव जा कर के एक शेफ को ढूंढ सकते हो। वो शेफ मतलब खाने बनाने वाला, मतलब खाना नहीं बनाता है, बाकी वो डीलिंग वगैरह करता रहता है। तो ये अपना टॉमी चल रहा है ये ओशन व्यू और वहाँ पर ढूंढेंगे शेफ को। बाइक किधर गई यार, ये रहा फटी अपनी जो कि ऑलरेडी फटी हुई है, यानी कि साइलेंसर। तो सेंचुरीज नाम है इस बाइक का, क्या नाम है, आई थिंक यही नाम है। कि तो भाई टॉमी चल रहा है अपना ओशन व्यू, वहाँ पर ढूंढेगा भाई शेफ को। देखते हैं भाई शेफ क्या डिटेल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाइक सिटी में काफ़ी ड्रग का धंधा होता है, भाई शेफ की भेस में यार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके तो अपन को ढूंढना है शेफ को, देखिए शेफ कहाँ मिलेगा। उसमें लोकेशन तो ये दिखा रहा है भाई, अबे बोरा भाई, भाई साहब बोरा मिल गया शेफ, रसोईया जो हिंदी में बोलेंगे अपन। ये बोल रहा क्या देख रहा तुम, मतलब अच्छा होगा मुझसे बात करो, ही मेक मी ओपी। अबे ये तुम्हारा लगा भाई, अरे ले 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 टॉमी से पंगा भाई, सर चल एक ही में ढेर कर दूंगा साले, फिर उठा ये ले। अबे ये तो कमज़ोर निकला, अभी खाना वाना नहीं खाते। तो भाई इसका फ़ोन मिल चुका है, इसके फ़ोन से देखो टॉमी ने कहीं कॉल किया है। उसके बाद में अबे लेंचे, अबे ये लेंचे भाई, तो भाई ये लेंचे हमें टॉमी को बोल रहा है पार्टनरशिप करने के लिए। इसने ड्रग डीलिंग के बारे में थोड़ा कुछ बोझा, तो मतलब ये भी बोल रहा है कि मेरा भी काफ़ी कुछ गया है। तो लेंचे टॉमी से बोल रहा है पार्टनरशिप करने के लिए। ओके तो ये देखो टॉमी ने हाँ कर दिया भाई। ओके भाई टॉमी तो भाई लगा हाँ कर दिया टॉमी ने। ओके भाई तो अभी देखो ये कुछ बताएगा भाई, इसके पीछे लड़ेगा। अबे ये शेफ और उसके शेफ साथी, ये तो भाई मारने के लिए आ गए भाई। देखो हमें लेंस ने हमें गन दे दिए हाथ में कि मतलब कुछ हो तो इन्हें लुड़का दो सालों को, अब बाकी मेरे पीछे आओ फॉलो मी। अबे एक शेफ को हमारा तीन शेफ आ गए भाई, अरे हमें अपन को क्या लेना देना अपन को। अबे पीछे आ रहा है ये तो वो लेकर के जो काटने वाला होता है, क्या बोलते हैं ये मारना दे भाई। वे तो हमें कोई टेंशन नहीं भाई, हमें चलना है। ओके हटो सालो। तो भाई ये ब्लॉक, अबे इसको हमें थोड़ा अपना मतलब एमोनेशन, ये बोल रहा है कि एमोनेशन चलना है, एमोनेशन यहाँ पे अपने गन वगैरह या गोलियाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ पे अपन को चलना है। इसको अपने ड्राइविंग भी दिखा देते तगड़ी वाली एमोनेशन अपना यहाँ है, एमोनेशन यही रहा इस साइड से, हाँ वही सही रहा। ओके तो भाई साहब ये कौन सी लैम्बोर्गिनी है, वाइट लैम्बोर्गिनी, जो कि लेंच ने भाई ऑफर किया अपन को चलाने के लिए, यानी कि टॉमी को चलाने के लिए। टॉमी अबे मार दिया भाई, अबे टॉमी भाई कंट्रोल योर सेल्फ, आई नो यू गुस्सा हो बहुत ज़्यादा। अबे किधर चला रहा है भाई, किधर देखो देखो भाई, चलो चलो किधर जा रही है भाई ये, कुछ ज़्यादा है भाई। देखो टॉमी ने मतलब काफ़ी टाइम के बाद में लैम्बोर्गिनी चलाई है, अबे टैक्सी को ही छोड़ दिया। इधर है अपन, इधर से इधर तो दूर पड़ेगा भाई, ये पास में ये वाला वो वाला दूर पड़ेगा भाई, इधर चलते हैं भाई साहब। हमें चलना पड़ेगा बैक और थोड़ी मतलब, चलो इधर से ही निकलते हैं भाई साहब। पोल वगैरह सारे तोड़ देंगे ये तो। बस गाइस इसको फटाफट यार एमोनेशन मतलब लेकर चलना है, देखो क्या खरीदता है भाई, हो सकता है भाई कुछ हमें भी खरीद के दे सकता है भाई। पार्टनरशिप हो गई है तो क्या पता, हो सकता है भाई गन वगैरह थार जा रही भाई, गन वगैरह भाई खरीद के हो सकता है हमें भी देख और अपने आप के लिए भी दे। क्या हो रहा भाई, गेट खुल गया भाई, यार मेरी लैम्बोर्गिनी से धुआं निकलने लगा। ये लैम्बोर्गिनी है क्या, किस पर 105 क्लिक कर आ रहा है इधर तो। अबे सॉरी यार ऑटो वाले को उड़ा दिया यार, मेरी कार की कंडीशन बहुत ख़राब है। अबे कहाँ कहीं लेंच से गुस्सा ना कर दे यार, अबे धुआं ब्लैक धुआं निकल रहा है इधर से तो यार, ये तो काफ़ी ख़राब कर दी भाई टॉमी ने। देख लेते हैं एक बार यार उतर के। अबे भाई साहब इसके बोनट से
धुआं ब्लैक निकल रहा, कोई नहीं तो यार होगा, फिलहाल हम थोड़ी केयरफुली यानी सावधानी से चला करके चलते हैं भाई। इसके कार के शीशे वीशे भी टूट चुके हैं जो यात्री, हम चलते हैं यार, हटो यार कहाँ, सॉरी यार मैं ही रॉन्ग, मैंने उसका भी देखो फ्रंट शीशा तोड़ दिया यार, कोई बात नहीं हम रॉन्ग साइड से चल रहे थे। ओके चलो भाई अब फटाफट तो भाई निकल पलते हैं भाई एम्बुलेंस। ओ शिट यार ये आग लग गई, मुझे निकलना पड़ेगा अभी, फट जाएगी। अबे लंची बाहर निकल भाई, अबे यार ये तो नहीं निकला, अबे यार मुझे निकालना पड़ेगा क्या। ओ शिट यार दोबारा मिशन करना होगा इसे, दोबारा एम्बुलेंस ले जाना। तो भाई साहब दोबारा से रिप्ले करके हम भाई लेंचो को बैठा चुके हैं, मतलब लेंचो को कार में बैठ चुके हैं भाई। इसको हमें इस बार भाई थोड़ा आराम से, इसकी कार भी ख़राब नहीं करनी है और आराम से, पिछली बार यार मुझे नहीं पता था मुझे ही निकालना पड़ेगा इसे भाई, साला ये निकला नहीं कार गई फट। कोई बात नहीं यार इस बार इसको तो मतलब बिल्कुल सेफ पहुँचा ही देंगे, एमोनिशन करीब ही है भाई। हट स्कूटर वाले को उड़ा दिया, अब ये किधर, मैं किधर चला रहा हूँ भाई, बालकनी में चला गया इधर से उतर के आराम से। तो गेट क्या उतर रहा है भाई, क्या उतर मत भाई। चलिए इसकी कार भी भाई ब्लैक धुआं फिर से मारने लगी है और पुलिस जा रही है आगे भाई, हमें कुछ नहीं करेगी भाई क्योंकि हमने अभी कुछ कांट ही नहीं किया है भैया। कोई अभी खड़ी है क्या वही हमारे लोग के लिए है क्या ये, फिलहाल नहीं क्या। एमोनेशन भाई देखो है पास ही में है भाई, देखो मैप पे भाई चलते हैं फटैक्स एमोनेश। क्या है ये भाई, बहुत आजकल पुलिस दिख रही है भाई, नहीं हमारे लिए नहीं गाइस, अगर हमारे लिए होती तो भाई ये हम पे शूट जरूर करती भाई, इन्होंने शूट नहीं किया है। गलत रास्ता आ गया, आगे से जाना होगा मुझे भाई, लाइट तो पोल तो साढ़े तोड़ दूंगा, यही रास्ता है भाई इधर से। हाँ ये रहा एमोनेशन। लंच की शॉपिंग हो चुकी है और ये बोल रहा है ड्राइव बैक टू होटल, मतलब भाई हमें बैक टू होटल दोबारा से होटल जाना होगा। तो चलो भाई चलते हैं होटल और इसको ड्रॉप करते हैं, इसकी कार को भाई छोड़ते हैं भाई, यहाँ उतरना हो। चलो भाई इसी के साथ जहाँ तक जाता है। ओके आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये आगे मुझे ड्रॉप कर देगा या अकेले जाएगा। चलो भाई तो ये चक्की भी फूक दिया, पेड़ है यार ये तो नहीं, आगे से निकल चलते हैं भाई साहब इधर गार्डन से, नेट वगैरह लगा रखी है इधर गया। तो भाई हमें लंचे ने हमें उतार दिया है भाई साहब और लंच जा रहा है बैग और ये बोल रहा है तुम्हें बाद में मिलूंगा मैं, आई वॉचिंग यू सून। क्या ओ भाई साहब ड्रिफ्ट मार दिया छोरे ने, तो भाई साहब यहाँ पे $200 मिल चुके हैं और भाई टॉमी का मूड थोड़ा फ्रेश हो गया क्योंकि लंच मतलब जो ड्रग डीलिंग का वगैरह का मामला जानता है इस सिटी का, उससे भी दोस्ती हो चुकी है यानी फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो भाई यार ये तो छोड़ के चला गया, एक कार को लूटने के बाद में इसी से चलते हैं भाई अपने, अब चलना है लॉयर के पास कैन रोजनबर्ग जो कि अपने टॉमी का फ्रेंड है, इसी को ले लेंगे। अरे गेट बंद नहीं हुआ ये, कोई नहीं होगा साला बैक चलते हैं इधर से। चलो भाई साहब तो हमें अपन चलते हैं अपने फ्रेंड कैन रोजनबर्ग के पास में और उसे बताते हैं भाई ये खुशखबरी कि भाई लंच से दोस्ती हो चुकी है, बाकी पार्टनरशिप कर ली है उसने। अबे हटो तुम बेस्कूटर ड्राइविंग, आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने गोली चलाई थी जो वो गाड़ी के विंडशील्ड यानी फ्रंट शीशे पे ना लग कर करके इसके टायर में। ओ भाई ये पूरा आगे का टायर यानी कि रिम वगैरह पूरा घूम रहा है अभी, शायद इस पे लग गया भाई, देखो यार चिंगारी भी छूट रही है, पूरी गाड़ी भी बहक रही है इधर से उधर, यार चेंज करना पड़ेगा ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और राउंड ये मतलब गलत दिशा में भी आ गया। देखो लॉयर पीछे भाई, एक मिनट आगे से देख रहे, तू हट भाई तू हट पहले, इसकी कार उड़ा करके इसको, एक मिनट कॉल किसका, एक मिनट गाइस कैन ये बायर डियास का कॉल आया है और लियो के लिए, यानी कि जो सैप को मारा था ना उसका नाम लियो था भाई, इसका फ़ोन तो टॉमी अपना ले ही आया था। ओ भाई ये अच्छा गया इसने, इस पर भाई अभी ये डियाज है जो मर्चेंडाइज डियाज मर्चेंडाइज ये है बायर भाई, ये बोल रहा है कि अपन को लियो के लिए यानी कि बायर ढूंढना है, तो अपने टॉमी ने बोल दिया है कि जो लियो था
वो कहीं चला गया है और उसने मुझे इंचार्ज मतलब जो भी बिजनेस का इंचार्ज है वो अब से मैं हूँ। तो उसने बोला ठीक है आप बाहर के तलाश करो। ओ भाई साहब, तो भाई ये तो डबल खुशी होगी भाई, कैन रोजनबर्ग को डबल खुशी खुशखबरी देने पड़ेगी कि भाई एक तो लेंचे ने अपन से दोस्ती कर ली है और दूसरी बात ये कि लियो का जो फ़ोन शेफ से मिले थे भाई, उसका फ़ोन लिया था वो सक्सेसफुल हुआ। उस पर भाई वायर मतलब बीच के दलाल को बुलाया है कि वायर को ढूंढो और भाई चलो इसको बताते हैं भाई अपन। ओ भाई देख रहे हैं भाई क्या खुशी है, लहरा के इधर से उधर चला रहा है भाई ये। कैन रोजनबर्ग को बताते हैं भाई, इतना खुश है टॉमी ना भाई, रास्ता ही भूल चुका है ये, भूल रहा है तो आगे से चल दे। अरे नहीं यार इधर क्या क्या हो रहा है, इधर से चलो गाड़ी भाई पूरी, ये लो ये हार्ले डेविडसन लग रहा मुझे तो इसका लो भाई, मैं तो हार्ले डेविडसन ही बोलूँगा बाकी कुछ भी हो इस बाइक का नाम। तो भाई लॉयर का बैक साइड से मैसेज रहा था गेट बंद करके भाई चला गया क्या घूमने के यार, मतलब इसका थोड़ा कंट्रोलिंग अभी नहीं समझ में आ रही इस बाइक का मुझे, भाई धुआं मार रही है पूरी ब्लैक ब्लैक कर रखी। चलो भाई इसको बैक लेके यहाँ पे लगा देते हैं, पार्क कर देते हैं, अपन की काम आएगी और उतरते हैं भाई। चलो अब कैन रोजनबर्ग को दोनों काम की खुशखबरी देते हैं भाई साहब।